हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नेहा पटेल। एंड गाइस, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने आईटीसी में इंटरव्यू दिया था, बट आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया भी है। यस, यू हर्ड इट राइट, मेरे कंपनी में सीएस ट्रेनिंग की वैकेंसी रोल आउट हुई थी, बट मैंने यूट्यूब पर यह बात नहीं बताई बिकॉज माय मैम है स्ट्रिक्टली टोल्ड मी कि ये यूट्यूब पर नहीं आना चाहिए, इसको कॉन्फिडेंशियल रखना है। इसलिए मैं YouTube पर नहीं बता पाई, अपोलॉजीज। मुझे बताना था, मैंने मैम को सजेस्ट भी किया था कि मैम मैं YouTube पर बताती हूँ, अपने को अच्छे अच्छे रेज्यूमेस आ जाएंगे, बट मैम टोल्ड मी नो, सो मैं नहीं बताई। एंड अभी ये वैकेंसी क्लोज हो चुकी है, ठीक है। सो हाँ, मैंने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया एंड ट्रस्ट मी, उसमें से मेरे को समझा डिफरेंस कि कौन से यू नो कैंडिडेट्स हैं जो क्विकली हमें पसंद आ जाते हैं, लाइक इन द फर्स्ट इम्प्रेशन ही हमको वो पसंद आ जाते हैं, और कौन से कैंडिडेट हैं जिनके साथ 15-20 मिनट भी बात करो तो भी वो हमको जमते नहीं है, लाइक अट्रैक्टिव नहीं लगते। सो वो मैं आपको पर्सनली बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि आप कैसे इंटरव्यू में स्टैंड आउट कर सकते हो। मैं एक इंटरव्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने वाली हूँ, ओके। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। एंड यार, आप लोग ट्रेनिंग का यू नो सर्च तो करोगे, ट्रेनिंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे, सो अभी से देख लो कि आपको क्या क्या इम्प्रूव करना है, ठीक है। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी सुपर हेल्पफुल, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बट उसके पहले मैं आपको बता दूँ, अन एकेडमी अपने मास्टर स्ट्रोक बैच के साथ वापस लॉन्च हुआ है, जो कि स्टार्ट हो चुका है February 9th, 2022 से, स्पेशली फॉर CSEET एस्पिरेंट्स। यहाँ पे आप इंडिया के टॉप नॉच एजुकेटर से पढ़ने वाले हो, सो टेंशन की कोई बात नहीं है। प्लस ये सब्सक्रिप्शन एक क्लासेस से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे आपको अनलिमिटेड रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, लाइव इंटरैक्टिव लेक्चर्स होंगे, ठीक है। सब स्टडी मटेरियल डाउनलोडेबल होगा, प्लस आप यू नो मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस कर सकते हो। एवरी फोर्थ सेशन विल बी अ डाउट सॉल्विंग सेशन। ऑल्सो गाइस, सीए में मेगा सक्सेस विद मेगा ऑफर्स चल रहा है फॉर सीए फाउंडेशन एंड फाइनल्स। तो एक बात बताओ यार, किसके लिए वेट कर रहे हो? आपका प्रोमिनेंट एजुकेटर्स है हर एक सब्जेक्ट के लिए, हर एक सब्जेक्ट आपको बस एक ही सब्सक्रिप्शन पे मिल रहा है। हाउ टू गेट दिस अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन? बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ऐप स्टोर में जाओ या प्ले स्टोर में जाओ, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, अपना गोल सिलेक्ट करो CS, एंड क्लिक ऑन द पेमेंट पार्ट या फिर सब्सक्रिप्शन पार्ट। और इसकी प्राइसिंग डिटेल्स मैं स्क्रीन पर शेयर कर देती हूँ। ऑल्सो गाइज, यू कैन यूज माई कोड CS नेहा फॉर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। गो ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। सो यस गाइज, बैक टू अवर वीडियो। जैसे कि मैंने कहा कि मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लिया था, तो देखो सबसे पहले तो मैंने उन सबसे फ़ोन पर ही बात की, तो जो चीज़ तुरंत अट्रैक्टिव लगी ना, वो उनकी पर्सनैलिटी थी, लाइक चरिश्मा, एक ऑरा होता है कैंडिडेट में कि जो हमको क्विकली अट्रैक्ट करता है। अभी काफ़ी कैंडिडेट ऐसे थे जो बहुत वीक साउंड कर रहे थे, बहुत यू नो बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं थे, मतलब पता नहीं भाई हम कौन से प्रिंसिपल है जो तुम हमसे एकदम डर के बात कर रहे हो, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कितने कैंडिडेट्स को कहा भी कि अरे इतना क्यों डर रहे हो, आराम से बात करो, बट उन लोग शिवर कर रहे थे या फिर उनकी आवाज़ यू नो कट कट होके आ रही थी, तो समझ रहा था कि ये लोग डर रहे हैं। और थोड़े कैंडिडेट्स ऐसे थे जो एकदम कॉन्फिडेंट थे, उनकी आवाज़ में एकदम कॉन्फिडेंस थी कि हाँ मतलब हम आंसर कर पा रहे हैं, हम रिप्लाई कर पा रहे हैं। सो ऐसे कैंडिडेट्स क्विकली पसंद आ जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है, जब कभी भी आप इंटरव्यू देने जाओ या आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आए, बी कॉन्फिडेंट। ऑल दो यू डोंट नो एनीथिंग, भले आपको कुछ नहीं आ रहा है वो सेकेंड थिंग है, बट आपको आपका पर्सनैलिटी, आपका चरिश्मा, आपका ऑरा बहुत अच्छा बनाना है, बहुत अच्छा रखना है, बहुत अच्छा शो करना है। तो हमेशा आपको कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। जो भी बात कर रहे हो थोड़ा लाउड वॉइस रखो और कॉन्फिडेंटली बात करो। सेकेंड चीज़, इंग्लिश, ठीक है। मुझे ऐसा लगता था मेरे टाइम पे जब मैं CS का इंटरव्यू देने जाती थी कि यार इंग्लिश इतना मैटर नहीं करता, ऑल्दो मेरे को इंग्लिश आती थी, बट मुझे ऐसा ओपिनियन था कि इंग्लिश इतना मैटर नहीं करता। बट जब मैंने खुद इंटरव्यू लिए तब मुझे समझा कि इंग्लिश मैटर करता है, ठीक है।
देखो एग्जाम के टाइम पे तो दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग, बट जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, फेस टू फेस बात कर रहे हो, तब अगर आपका इंग्लिश टूटा फूटा है, मतलब आप हीम हर शी ही में ही डिफरेंस नहीं समझ पा रहे हो, आपको आर देयर देयर इसमें आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो इंटरव्यूअर का मन उधर ही उतर जाता है. लाइक मेरे को ऐसा हो रहा था कि अरे ये समझाएगी कैसे बोर्ड को कोई चीज़, या फिर हमको कोई चीज़ अगर इसको इंग्लिश नहीं जम रहा है. ऑल दो उसको सब कुछ आता है बट इंग्लिश नहीं आ रहा है. तो सी एस के लिए इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है. सो यू नीड टू वर्क ऑन योर इंग्लिश. अगर देखो आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी उसके एक हफ्ते पहले से आप इंग्लिश सीरीज देखना स्टार्ट कर दो, या कुछ ऐसा सीरीज देखो जिसमें इंग्लिश सब टाइटल्स हो, तो आपके मुँह में इंग्लिश फ्लुएंटली बैठे. सो इंग्लिश पे ज़रा फोकस करना. थर्ड चीज़ जो मैं बोलूँगी वो ये रहेगा कि कॉन्सेप्ट, ठीक है. आपने आपके लाइक मैंने जितने भी इंटरव्यूज लिए कैंडिडेट में, उन्होंने अपने सीवी में लिखा है कि मैंने अपने पास्ट एक्सपीरियंस में बोर्ड मीटिंग का हैंडल किया है, एजीएम हैंडल किया है. अब जब मैंने उनसे पूछा ये क्वेश्चन कि बोर्ड मीटिंग और एजीएम का प्रोसीजर बताओ, तो उनको वो नहीं आ रहा था. या फिर वो लोग एजीएम का प्रोसीजर बोर्ड में बता रहे थे, बोर्ड का प्रोसीजर एजीएम में बता रहे थे. तो मेरा तुरंत ही वहाँ से मन उठ गया कि यार जब तुम अपने सीवी में लिख रहे हो कि तुमने ये हैंडल किया हुआ है, तो तुमको वो कैसे नहीं आ रहा है, मेरे को समझ नहीं रहा है. रिसेंटली वो सब चीज़ हुई है तो तुमको कैसे नहीं आ रहा, कैसे ट्रस्ट बैठेगा एक इंटरव्यूअर को कि जो तुम अपने सीवी में लिख रहे हो वही तुम नहीं बता पा रहे हो एक इंटरव्यू में, ठीक है. सो जो भी आप आपके सीवी में लिखोगे ए टू जेड, आपको वो सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि मैंने मेरे सीवी में ये सब लिखा है, एंड यू मस्ट बी एबल टू आंसर दैट. ये चीज़ तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिलेवेंट है. ट्रस्ट फैक्टर दिखता है इससे, ठीक है. वरना मैं तो सब कुछ लिख दूँ अपने सीवी में, मैंने ये किया है वो किया है, और जब क्वेश्चन करेंगे मैं आंसर ही नहीं कर पाऊंगी तो मेरा भांडा फूट जाएगा. इसलिए जो भी सीवी में लिख रहे हो वो सब आपको आंसर करना आना चाहिए, वही सब लिखो जो आपने किया हुआ है. फोर्थ चीज़ मैं बोलूँगी कि थोड़ा कंपनीज एक्ट का प्रोविजन्स होता है ना वो ब्रशअप कर लो. बिकॉज आप लोग क्या होता है, कुछ भी प्रोसीजर, मतलब मैंने लिया इंटरव्यू कैंडिडेट्स का, तो कोई कोई कैंडिडेट्स कुछ भी प्रोसीजर बताते हैं, एकदम कंफ्यूज रहते हैं. सो हमको इंटरव्यूअर्स को नहीं चाहिए होता है कि आप ए टू जेड बताओ, बट यार थोड़ा बताओ और जो बता रहे हो वो क्लियर बताओ, कॉन्फिडेंटली बताओ. तो कंपनीज एक्ट के जो प्रोविजन्स है वो थोड़ा ब्रशअप कर लो, थोड़ा लीगल लैंग्वेज सीख लो कि जिस तरीके से आप वो आंसर प्रेजेंट करोगे. अब जैसे सबको पता है कि बोर्ड मीटिंग में 7 डेज का नोटिस चाहिए, बट आप किस तरीके से वो बोल रहे हो, किस तरीके से अपने आपको प्रेजेंट कर रहे हो, वो बहुत मैटर करता है. तो थोड़ा इंटरव्यू के पहले आप कंपनी का प्रोविजंस अच्छे से ब्रशअप कर लेना लीगल लैंग्वेज के साथ. सो यस गाइस, यही था मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस एज एन इंटरव्यूअर. एंड मेरे ख्याल से मैंने आपको सब कुछ बता दिया है जो भी मुझे मिस आउट लगा एक कैंडिडेट में. एंड आई होप कि आप लोग इस सब चीज़ से बचे रहो, आप लोग ये सब चीज़ें मत करो. अगर ये सब चीज़ें आप अवॉइड कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो आप टॉप 1% ऑफ कैंडिडेट्स में आ जाते हो, ठीक है. सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू एज वेल एज फॉर योर एग्जाम्स. एंड आपका अभी रिसेंटली रिजल्ट भी आने वाला है, तो उसके लिए भी बेस्ट ऑफ लक. एंड हम बाद में मिलते हैं, बाय, बेस्ट ऑफ लक.